एचपी का ये नया सर्वर है, आज इसकी इंस्टॉलेशन होना है। तो इसमें हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, हीट सिंक ये लगना है। तो देखते रहिए, आप मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैमरा अभी इंस्टॉलेशन। इसमें देखिए क्या क्या आते हैं हमारे नए सर्वर के साथ में। पावर केबल आती है, बस ऐसे ही इसमें रख दो। अब इसको हम करते हैं, पहले हार्ड डिस्क दे दो मुझे। तो साइड देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क लगेगी, तो हम यहाँ से देखिए ये एक यहाँ हार्ड डिस्क, 8 हार्ड डिस्क हमारी लगेगी। तो हार्ड डिस्क चाकू दे रहा हूँ, ये कटर, हम कटर से हार्ड डिस्क निकालते हैं, नई हार्ड डिस्क है तो इसमें हम हार्ड डिस्क निकालते हैं। ये है हमारी हार्ड डिस्क, देखिए गाइस। तो मेरा भी यूज़ है, ये देखिए ये हमारी हार्ड डिस्क हो गई। और ये हमारी हार्ड डिस्क है 2.4 TB की, देख लीजिए। इसको लगाने का तरीका देखिए, ये हमारा फ्रंट का है, ये बैक का है। तो इसमें हम पहले ऊपर घाट देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला घाट हमारा नीचे रहेगा, तो इसको हम पलट देंगे ऐसे, इसको फिर इसके बाद ऐसे कर इसमें लगाएंगे ये, और इसके बाद प्रेस कर देंगे। बस ये हमारा हार्ड डिस्क लग गया। अब दूसरी लगाएंगे, देखिए गाइस दूसरी लगाता हूँ। ये हमारी तीसरी हार्ड डिस्क है, इसको भी हम लगाते हैं। अपने इसमें 8 हार्ड डिस्क लगाना है। ये हमारी चौथी हार्ड डिस्क है, इसको भी हम लगाते हैं। हेलो, तो सॉरी उल्टी लगा रहा था मैं। ये लग गया, हार्ड डिस्क लगा रहे हैं। हमने 8 हार्ड डिस्क लगानी है। तो सारा हट खोल दिया सर, हम लगाते हैं एक दूसरी के गाइस। तो हमारी हार्ड डिस्क उसमें लगाने के बाद हम बैठाते हैं, तो इसको वैसे घाट पे ही बैठेगा। तो इसको पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसको फिर हम अंदर करके ये बैठेगा, हमारी हार्ड डिस्क ऐसे ही बैठेगी इसमें। एक और सर्वर कर ले, एक ही जाएगा ना, एक और जाएगा। तो गाइस अगर आपको हार्ड डिस्क चेंज करनी हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको हार्ड डिस्क कैसे निकालेंगे, कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ से पुश करेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। इसको आप ऊपर खींच के यहाँ से हार्ड डिस्क निकाल सकते हैं, देखिए गाइस। ऐसे ही निकाल के आप वापस लगा सकते हैं। तो आप जब ऐसे पुश इसमें लगाएंगे तो ये आपका ये बैठेगा, तो ये पुश ये घाट बैठ जाएगा इसका। तो ऐसे ही हमारी हार्ड डिस्क लगाई जाती है, तो हमने 8 हार्ड डिस्क लगा दिया है। अब चलते हैं रैम के ऊपर। तो हमने ये सर्वर का कवर खोल दिया है, और हीट सिंक और प्रोसेसर वो भी दे देना मुझे। हीट सिंक रैम हो गई हमारी 32 GB की, और 32 GB की ऑलरेडी इसमें हमारी लगी हुई है, देख सकते हैं आप। ये हमारी 32 GB है, 32 GB ऑलरेडी लगी हुई। तो हम इसको लगाएंगे अभी। सबसे तो पहले हम ये कवर हट निकालेंगे इसका, उसके बाद हमारी ऑलरेडी एक ये रैम लगी हुई है, 32 GB की रैम लगी हुई है। रैम लगेगी सर, 32 GB की रैम लगी हुई है। तो हम दूसरी अपने इसमें लगाते हैं, तो ये ऐसे रैम लगाने के बाद ऐसे पुश करेंगे ये बैठ जाएगा। यहाँ देखिए गार्ड, दोनों गार्ड बैठ जाएगा। तो मान लीजिए आपकी रैम प्रॉपर लगी हुई है, और ये हमारा प्रोसेसर है ये दोनों। अब इसमें हम प्रोसेसर भी लगाएंगे। ये हमारे पास हीट सिंक है,
देख सकते हैं। और ये प्रोसेसर है और ये हमारे पास फ़ैन है, तो हमें फ़ैन भी लगाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपना फ़ैन लगाते हैं। तो फ़ैन के लिए हमें ये देख सकते हैं, ये रेड वाला क्रॉस जो है हमारा, ये यहाँ पे इस साइड में रहेगा तो ये हमारा बैठ जाएगा। दूसरा हमारा ये है, ये तो देख सकते हैं गाइस हमारा ये फ़ैन बैठ गया है। अब आते हैं हम प्रोसेसर के पास। तो हमें हमारे पास हीट सिंक है और ये प्रोसेसर है, तो हम हीट सिंक और प्रोसेसर ये दोनों लगाएंगे। मुकेश को दे दो, हम करेंगे, तुम बना वीडियो। गाइस सबसे पहले हम ये लगाएंगे, इसका ये कवर लगाएंगे जिसमें हम प्रोसेसर अपना यूज करेंगे। तो चलते हैं गाइस, हम अपना ये लगाते हैं। तुम कहाँ पे यार? तो गाइस ये देखिए इसका घाट ये है, तो इसमें हम अपना ये लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा ये बैठ गया। अब इसमें हम प्रोसेसर लगाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस साइड हमारा ये है उस कट जो हमारा हमेशा ये राइट साइड में ऊपर में रहेगा। इसको लगाने के लिए हम सीधा ऐसे इसमें फिक्स करेंगे और ये क्लिप से बैठ जाएगा। देखिएगा इस ये हमारा प्रोसेसर इसमें लग गया है। तो ऐसे ही हम प्रोसेसर इसमें लगाएंगे और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे अपना प्रोसेसर के साथ में अपना हीट सिंक के साथ में अपना बैठा देंगे। देखिएगा इस और ये बैठ गया। इसको टाइट करने के लिए गाइस जो हमारे पास होनी चाहिए वो एलन की होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। ये हमारा स्क्रू ड्राइवर उसमें लगेगा नहीं, जो हमारे पास ये वाला है तो ये वाला हमारा लगेगा नहीं, क्योंकि हमने हमारे पास एलन की है, इसके थ्रू हम टाइट करेंगे। तो चलते हैं गाइस टाइट करते हैं। तो इस साइड हल्का रखेंगे तभी टाइट होगा प्रॉपर। बेटा जा रहा था, कहाँ जा रहा था? ये हमारा बाय डिफॉल्ट जो इसके साथ में है ये पुराना है, तो इसको हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे हम इसको रिमूव करते हैं इसमें से अपने। तो इसको भी खोल लेते हैं। तो कहीं हमारा ये खुल रहा है, तो देखिए गाइस ये हमारा प्रोसेसर हीट सिंक के साथ में ही निकलता है और साथ में ही लगता है। देख सकते हैं अभी ये बिल्कुल नया है, लेकिन हमारा दूसरा ही लगाना है हमें प्रोसेसर इसमें, तो इसको हम साइड में रख देते हैं और हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो हमारे पास हीट सिंक और ये रखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हम चलते हैं इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस ये हमारा एक लग चुका है और दूसरा है, दूसरा लगाते हैं। तो देखिए गाइस हमारे हीट सिंक में प्रोसेसर बैठ चुका है, इसको भी हम चलते हैं इंस्टॉल करते हैं। ये हमारा हमने बैठा दिया, इसको हम टाइट कर लेते हैं। कार के फेमस करा हुए मेरे इंजीनियर सर हैं, उनके चेले हैं।